जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा बेहतरीन मटन शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त घर पर आसानी से झटपट बन जाता है मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर सकते हैं ये देखिए मैं एक दिखा भी दे दूँ क्या परफेक्ट बने हैं आप देख सकते हैं ज़्यादा सूखे हुए भी नहीं है और ज़्यादा गीले गीले भी नहीं एकदम परफेक्ट है तो चलिए बनाते हैं एकदम परफेक्ट की रेसिपी आज साधारण यानी ऑर्डनरी इन्ग्रीडियंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफेक्ट शामी कबाब बनाते हैं चलिए सबसे पहले एक ड्राई मसाला पीस लेते हैं क्विकली बन जाएगा ड्राई मसाला तो ये तकरीबन तीन चार साबुत लाल मिर्चियाँ मैंने ली आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं जितना स्पाइसी चाहिए उसकी डंडी तोड़ दीजिए और बीच में से बिजे निकाल लीजिएगा एक बड़े डंडी दालचीनी की एक छोटा चायका चम्मच साबुत ज़ीरा आधा छोटा चायका चम्मच काली मिर्च साबुत वाली एक बड़ी इलायची एक छोटा चायका चम्मच सौंफ एक टेबल स्पून साबुत धनिया और सात और एक जावित्री, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का समझे ना वन फोर्थ से भी छोटा ये होगा और ये सारी चीजों को मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए बिना पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करके ये पाउडर बन जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए एक कुकर के अंदर आधा किलो गोश्त को चर्बी निकाल लीजिए दो तीन पानी से धो के नितार कर डाल दीजिएगा ये बोलने से आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं हाँ इसमें डाल दीजिए दो तेज पत्ता एक मैं आधी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ आप अपने स्वाद अनुसार दो तीन डाल सकते हैं यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा यानी कि रफली चॉप करके डाला है कोथमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया बारीक काट कर डाल दीजिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वन फोर्थ छोटा का चम्मच हल्दी आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चाय का चम्मच नमक ये है तकरीबन थ्री फोर्थ कप जितनी दाल वैसे ये चने की दाल है इसे मैंने दो तीन पानी से धो के फ्रेश पानी के अंदर भिगाने के लिए एक घंटे पहले रख दिया था अब मैं इसे नितार कर डाल देती हूँ इसमें अब इसमें पानी डाल दीजिए तो मैंने एक कप जितना पानी डाला है आप पानी अपने हिसाब से आधा या पौना कप डाल सकते हैं अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से मैंने एक कप डाला है अब इसमें डाल दीजिए वो मसाला हमने जो बनाकर रखा था सबसे पहले वो वाला सारा डाल दीजिए एक बार चला लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए कुकर का और इसे ढक कर सबसे पहले तो फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए जब एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच पर 20 से 25 मिनट इसे पकने दीजिए जब 20-25 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिएगा चूल्हे को चलिए टोटल 25 मिनट हो चुके हैं मैं देख लेती हुई देखिए बढ़िया ऐसी गल गई है ना माशाल्लाह और देख सकते हैं पानी भी सूख गया अगर आपका ऐसा लगे पानी भिज भिजा है तो आप थोड़ा सुखा सकते हैं फास्ट या मीडियम आज करके पर मेरा एकदम परफेक्टली हो चुका है हम 20-25 मिनट इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि ओवर गलाना है क्योंकि एक दूसरे में मिल जाए ना अब इसे साइड पर ठंडा होने के लिए निकाल कर रख दीजिए जब ठंडा हो जाए तो इसे डाल दीजिए एक ब्लेंडर के अंदर और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आप चाहें तो पहले तो मेरे पास मिक्सर जारी हुआ करता था तो मैं उसमें ब्लेंड कर लिया करती थी जब ब्लेंड हो जाए तो सबसे पहले इसे एक बड़े से बर्तन के अंदर भगोने में निकाल लीजिए ये देखिए बढ़िया सी पीस गई है ना ही एकदम सूखी हुई लग रही है और ना ही एकदम रनी टाइप लग रही है एकदम परफेक्ट बनी है अब इसके अंदर है ना मैंने आधी सबसे पहले मिर्ची मैंने डाली थी कुकर के अंदर आप देखे थे तो उस आधी मिर्ची को रख दी थी मैंने यहाँ बारीक काट कर डाला है और यहाँ पर बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर यानी कि छुंदा कटा हुआ डाल दीजिए यहाँ मैं डाल देती हूँ दो छोटे छह के चम्मच नींबू का रस एक अंडा डाल दीजिए बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और आगे अगर आपको ऐसा लगे कि आप वार नहीं पाएंगे कबाब के शेप नहीं दे पाएंगे तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए बट मैं दे पाऊंगी शेप तो मैं यहीं से ही शुरू कर लेती हूँ अब थोड़ा सा तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए मीडियम पोर्शन लीजिए उसे बॉल बनाते जाएं और उसे बीच में से चपटा कर दीजिए और साइड सर शेप देते जाएं और ये बन गया हमारा शामी कबाब इसी तरीके से सारे शामी कबाब बना लीजिए तकरीबन आधा किलो के अंदर आप देख सकते हैं मैंने तेरा शामी कबाब निकाले हैं आप अब आपके ऊपर है आप बड़े बनाएंगे तो कम निकलेंगे इससे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा निकलेंगे अब मैं इसे पंद्रह बीस मिनट या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ा सा सेट हो जाना। जब हो जब आधा घंटा जाए, तो तेल डाल दीजिए तवे के अंदर तेल गर्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह ने बोलकर हमारे ये जो शामी कबाब है ये सारे लगा दें। जितने आ सके आपके तवे के ऊपर उतने लगा दीजिए और इन्हें पीछे की साइड आधा पौना मिनट मिनट तक पकने दीजिए दीजिए जब आधा हो जाए तो पलट पलट और उलट पलट करते हुए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए मीडियम आज कर दीजिएगा चूल्हे को मीडियम आज पर ही पकाइएगा जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों ओर से और हल्के हल्के सुनहरी कलर आ जाए तो इन्हें निकालकर नित कर, कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए इस रेसिपी में लाल मिर्ची का पाउडर या सूखी लाल मिर्ची है जैसे और हरी मिर्ची है ये सारा अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा मैंने मेरे हिसाब से डाला है आप कम भी कर सकते हैं इससे ज़्यादा और कम कर सकते हैं आप चाहें तो वो जो हरी मिर्च मैंने डाली है वो टोटली स्किप करके सिर्फ लाल मिर्ची सूखी हुई डाल सकते हैं पीसने के अंदर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने डाला है वो भी टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आपको क्विकली बनाना है तो आप कुकर में बना सकते हैं अगर आपको पतीली में बनाना है तो डेफिनेटली आप पतीली में बनाएं तो पतीली में आप जब बना रहे तो आप कीमा ले लीजिएगा तो जल्दी कुक हो जाएगा ना और अब ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर होगा अगर कीमा होगा तो जल्दी गल जाएगा अगर गोश्त के ऐसे पीसेस होंगे तो उसे भी आपके गोश्त के पीसेस के ऊपर डिपेंड होगा तो अगर पानी डालने जैसा ज्यादा लगे तो बीच में पानी डाल दीजिएगा और आधा पौना घंटे के लिए उसे पकने दीजिए जब अच्छा ओवर कुक हो जाए तो बंद कर दीजिएगा ड्राई आउट करके आपने देखा ये जो मिक्सचर था इसको मैंने चॉपर के अंदर ब्लेंड किया है बट एज इट इज आप देख सकते हैं 20-25 मिनट हम जब स्लो पर रखते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड हो जाती है तो इस विषय में आप क्या कर सकते हैं मालूम आप चाहें तो स्पेट्यूला से आप वही समय गरम गरम के अंदर ही उसे मैश करते जाए ऐसा मैश करते जाए स्पेट्यूला से बार बार चलाते हुए कि वो एक दूसरे में घुल जाए ना ही मटन दिखे और ना ही वो जो चने की दाल दिखनी चाहिए तो आप वैसा भी कर सकते हैं या फिर वो जो दाल घुटनी आती है ना लकड़ी की जिससे हम झास भी झेरा करते हैं उससे भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं लेकिन गर्म ही कीजिएगा सारी चीज अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी लेकिन अगर आपको चॉपर में करना है तो चॉपर के लिए आपको या फिर मिक्सर जार के अंदर के लिए भी आपको ये दोनों के लिए आपको ठंडा करना पड़ेगा उसके बाद ब्लेंड कीजिएगा तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्टली बनी है हमारी शामी कबाब मटन की ना ही अंदर से ड्राई और ना ही एकदम गिली गिली एकदम परफेक्ट अब इसी तरीके से मैंने खूब सारी मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा तो है ना मजेदार रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स मुझे आपके कमेंट्स बने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ टेक